भगवान के दरबार में कभी कोई दरवाजा नहीं होता। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहती कोई। सब जब सामने देखूं सामने सूरती हो श्री सुखदेव जी बोले हैं उत्तरानंदन परीक्षित से हे राजन परीक्षित गौर करते जब भाई दुकान में चले जा दोनों लोग सेट लेकर तीनों प्राणियों ने वस्त्र बदले हैं। वस्त्र बदलने के बाद में तीनों प्राणियों की दशा क्या थी, कैसी दशा थी उन तीनों प्राणियों की? जब तीनों प्राणी
वस्त्र बदल करके चले हैं। कहने पहनने वाली वो तारा एक मोटी सी साड़ी में है और बेटा रोहित पे एक लंगोटी है। राजा के पास में केवल धोती है। आगे बढ़कर के जब चले हैं तो तारा की दासी ने देखा महारानी की रास्ता रोकनी खड़ी हो जाओ। अरे तुम यहां से जा रही हो, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। तो उसी समय आंखों में आंसू लेकर के तारा ने दासी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। जवाब दिया, रोए नहीं बहन, क्या तो दासी हो गई। दासी जब रोई अब तो रोवत देख के दासी को महारानी रो नजर। अब तो रोवत देख के दासी को महारानी रो दे दो, नहीं तो हमें इनकार कर दो, हम चले जाएंगे। तुम्हारी रानी रो रो के हमें भगाना चाहती है। अरे रो बोलो, हम ऐसे थोड़ी भागे, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, कर्जा तो लेके ही जाएंगे, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। हरिश्चंद्र ने रानी तारा को समझाया, रानी रोए नहीं, क्या रखा, चलो। तो उसी समय आगे आगे विश्वामित्र चले, पीछे से हरिश्चंद्र है, उसके पीछे रोहित, पीछे से रानी तारा। जब जब तीनों प्राणी चले हैं तो इन्होंने अपने राज्य से निकलते हुए अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब आगे बढ़े हैं तो महारानी तारा जो कभी अपनी टहरी से दरवाजे से बाहर नहीं निकली, वो आज पैदल जा रही है। और जब पैदल जाते हुए देखा है तो हरिश्चंद्र सोचने लगे, बारे में पत्नी हो तो हमारी जैसी हुई और हमारी जैसी स्त्रियों से ही जैसी अब
सोच रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र बात बात तारा, तुम हमारे लिए कितना कष्ट उठा रही हो। सोचा है महाराज हरिश्चंद्र ने, हमने पूरा शासन दे दिया और शासन देने के बाद अपनी पत्नी को तर बदर की ठोकरें खिला रहे हैं। ये 21 मुद्राएं 100 नंबर वालों की तरफ से आ रही है। भगवान सुख शांति देता रहे, धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे, राधा कृष्ण हमेशा दया का हाथ रखते रहे। इधर विश्वामित्र कहने लगे, अरे इतने धीरे धीरे से चलोगे तो कब तक पहुंचते, काशी नगरिया बहुत दूर है। बढ़िया बढ़िया। हरि सिंह कहने लगे, रानी चलो, 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 जब आगे बढ़ते हुए चले हैं तो जेठ का महीना है, लपट चल रही है। रोहित पे पैदल नहीं चला गया तो उसी समय रोहित पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा और जब बेहोश हो गया तो रानी तारा पुत्र को गोद में लेकर के रोने लगी। जवाब दिया, महाराज तुम हमारे पुत्र को बचा लो, किसी भी तरीके से हमारे बेटे को बचा लो। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी इसके ऊपर थोड़ी सी हवा कर दो, यदि हवा कर दोगी तो शायद ऐसे हो सकता। मित्र कहने लगे, अरे चंद्र पानी पी लो। अरे चंद्र बोले, हम पानी नहीं पिएंगे, अगर हमारी पत्नी पिए तो पी ले। तारा से कहा, तुम पानी पी लो। तारा बोली, हम पानी को देख ही नहीं सकते, अपने पुत्र को पिला दो। और जब पुत्र का नाम लिया तब तक रोहित को होश आ गया, और जब होश आया है तो रोहित खड़ा हो गया, कहने लगा, महात्मा जी पागल हो गए, पानी की बात कर रहे हो? अरे हम पानी पीना तो दूर रह से देखेंगे भी नहीं। और बोला है रोहित, तुम पानी की बात कर रहे हो, अरे हमें पानी नहीं चाहिए।
तो कलंक की बने निशानी है। पानी की हमें जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही पानी पानी। कहने लगे कोई बात नहीं है, पियो चाहे बिल्कुल ना पियो, लेकिन एक बात को याद रखना, तुम तीनों में से एक भी मर ना जाए, क्योंकि अगर एक भी मर गया तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, नुकसान तो हमारा हो जाएगा। अगर कोई मर गया तो कर्जा फिर अदा कैसे करोगे? चलो बढ़िया, बढ़ते हुए चले हैं आगे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बोले उत्तरानंदन परिचित से, हे राजन परिचित, चलते चलते जब काशी नगरिया के नजदीक पहुंचे हैं तो काशी को महाराजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा पुत्र रोहित ने प्रणाम किया। हे मां काशी, जहां तक हो सके हमें इस महात्मा के कर्जा से उर्ण कर देना, यही हमारी आपसे विनती है, यही निवेदन है। धीरे से काशी में प्रवेश किया। काशी के बाजार में जाकर के महाराज हरिश्चंद्र पुत्र रोहित रानी तारा को एक तख्त के ऊपर खड़ा कर लिया, और जब तख्त के ऊपर खड़ा कर लिया और विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों, काशी के लोगों, देख रहे हो अभी तक तो आपके शहर में आपके मोहल्ले में लोग आलू टमाटर बेचते थे, लेकिन हम आदमी आदमी को ही बेच रहे हैं और आवाज लगाते हैं। आवाज लगाई, इतने प्राणी खड़े आज बिकते जिसे खरीदना है आ सकता है बड़े आराम से। तो जैसे ही आवाज लगाई तो नर नारी एकत्रित हो गए, और जब नर नारी एकत्रित हो गए तो उसी समय में एक वेश्या काशी नगरिया से आई, भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। जवाब दिया है ब्राह्मण, बाबा जी हाँ सीताराम, सीताराम बड़ो शोरगुल करे, का चक्कर है? क्यों तुम्हें क्या मतलब है? अरे हम तो मतलब फंक्शन आए, तुम्हें दिखाई नहीं देता है ना? है ना, सुनाई तो देता होगा। अरे सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हाँ हम इन तीन प्राणियों को बेच रहे हैं,
ये तीन प्राणी हाँ बेचन आए बिल्कुल बाबा जी हाँ एक बात बता पूछो आज लोग तो जामा सब सब्जी बेचते रही हाँ और जो आदमी का बसे बेचन लगे क्यों कोई मतलब बिल्कुल मेरा इनके ऊपर कर्जा है तो तुम बेच जाओ ना हाँ बेचेंगे महाराज हाँ जा स्त्री कीमत का छोटा ले लो या बड़ा ले लो हाँ केवल 20 भार एक क्या लगेगा यानी हल्की हो चाहे भारी रुपया 20 सवारी हाँ तो बाबा जी हाँ मैं जा स्त्री जरूरत है तुम्हें जरूरत है हाँ तो 20 भार सोना ना लेके निकल जा ठीक है बाबा जी अब आए गई तो उसी समय बेस्या ने तारा से पूछा पेन तुम काई को बिच रही हो तो तारा ने जवाब दिया है बेना पतिये कि बहना मेरी ते टूबड़ होवी से उसके बाद में वहीं से एक ब्राह्मण देव आई बैस्या के जाने के बाद चली गई तो उसी काशी नगरिया से एक कालू नाम का मेहतर आया और जब कालू नाम का मेहतर आया तो उसने आवाज लगा दी क्या है भाई बाबा जी सीताराम सीताराम बड़े मोटे ताजे हो तुम बाबा जी क्यों बाबा जी हाँ एक बात बताओ पूछो आज तुम जब भीड़ काजे लगाई अरे भीड़ नहीं लगाई हाँ इन तीन प्राणियों को बेचने आए इन तीन प्राणियों को बेचने आए हो हाँ तुम्हारा नाम क्या है नाम से संपर्क नहीं रखना चाहिए अच्छा बेचे हो हाँ बेचेंगे बाबा जी हाँ अच्छा मर्द की जरूरत है मर्द की जरूरत है हाँ तो 20 भर सोना लगे मैं हूँ कौन तुम कौन हो तुम अरे हमारे नाइस ना परिचय तो है नहीं हम आपको नहीं जानते हम तुम्हारे फुल स्टाफ को खरीद लेंगे अकेले हाँ बड़े आदमी हो कोई बात नहीं कौन हो तुम पहले सुनो हाँ हमारा नाम
कलुआ बंदी है। लाख रुपए भी पहन के तू किस समय दारू देता, कोई हमसे बात करे तो किस समय। हमारा नाम कलुआ बंदी है। बहुत सुंदर समझ गया, पैसा वाले मेहतर हो। बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, तो हमें से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इस मर्द की कीमत बताइए। इस मर्द की कीमत है 20 भर सोना। ठीक है, झाड़ू लगाए ले, खुदाई पर झाड़ू लगाए ले, अब तन्ने पर तो नहीं। जवाब यह है कि हम इसको खरीद लेंगे। कालू ने 20 बार सोना निकाल करके जैसे ही देने को किया, तारा फिर आ गए और तारा ने हरिश्चंद्र के दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज क्या कर रहे हैं? अगर पहले तुम बिक गए तो तुम्हारा अधिकार हमारे ऊपर नहीं रहेगा, तो तुम 40 भार सोने के कर्जदार रहोगे, इसलिए पहले हमें बेचो उसके बाद में खुद बिको। तो कालू से हरिश्चंद्र ने निवेदन किया, भैया थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर के बाद में हम अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दें, उसके बाद में तुम हमें खरीद लेंगे, बोली कोई बात नहीं। उसी नगर से एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने रानी तारा और पुत्र रोहित को खरीद लिया। और जब दोनों को खरीद लिया, जब तक पिके नहीं थे तब तक पास पास खड़े थे, जब पिके गए तो थोड़ी दूरी से खड़े हुए थे। तो हरिश्चंद्र ने आंखों में आंसू लिए और मन में एक बात सोची कि बाजीबा परमात्मा, कैसी है मेरी किस्मत जो मैंने अपने हाथों से अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। और मन ही मन में सोचा दिया है। लोग मरते मर जाते हैं लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बेचते। हम एक ऐसे पहले इंसान हैं जो अपनी पत्नी और पुत्र को बेच रहे। तारा के करीब पहुंचे, तारा मैं बड़ा अभागा हूं जो मैंने तुम्हें अपने जीते जी बेच दिया। और जवाब दिया है तारा, धर्म के पीछे भी छुड़ गए, धर्म को पीछे दिखाई होना। जाओ तारा, जहां भी रहना सुखी से रहना, हमें धर्म के पीछे बिछड़े हैं, इस धर्म को पीठ मत दिखाना तारा, चले जाओ। तारा रोहित ब्राह्मण के साथ चल दिए, हरिश्चंद्र कालू के साथ चल दिए। प्यारे भक्तों, कैसी है किस्मत, भक्त नूर को बेनूर कर देता है, भक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से छोटे जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर भक्त हर किसी को मजबूर कर देता है। भक्त की बात है,
जब बिच गए और वैसे कभी नहीं तो बताना भी है। सदा तुम एक से किसी के न गुजर से देखे हमेशा सभी।